हेलो रिपीटर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट नंबर टू एंड आई थिंक दैट कि दिस इज वेरी गुड पेपर फॉर यू एंड देयर इज सम डाउट्स आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स लाइक 3, 5, 10, 18, 20, 21, 25, 32, 36, 41, 44। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि जैसे मैंने ये आपका डाउट है जो मैंने रिसीव किया है, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पर दो मैंने बॉक्स बनाए हैं। दो बॉक्स किस लिए बनाए हैं? पहला बॉक्स बनाया है कि मान लिया किसी क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है और उसका आंसर डी होना चाहिए, सी आ रहा है और डी लिखा हुआ है तो गलत आंसर है, तो उसके लिए यहाँ चेंज आंसर का मतलब एक तरह से रॉन्ग आंसर नहीं, यहाँ पर चेंज आंसर करना चाहिए हमें, चेंज आंसर, चेंज, चेंज आंसर, ठीक है। और यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन की मान लिया कोई क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है, डाटा कुछ एब्सेंट है, फिगर नहीं है, इस तरह का है, तो उसके लिए लिस्ट मैंने वहां दिया है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा जो 3, 5, 10, 18, 20, 21, 25, 32, 36, 41, 44, तो सबसे पहले हम इसका आंसर सामने रखते हैं ताकि आपको जब मैं सवाल बनाऊं तो आपको पता चले कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं लिखता हूँ। 3 का आंसर ए आना चाहिए, 5 का बी आना चाहिए, 10 का ए आना चाहिए, 18 का सी, 20 का सी, 21 का ए, 25 का बी, 32 का ए, 36 का सी, 41 का ए एंड 44 का सी, बस यही चीजें हैं। तो चलिए अब यहां से डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप उससे सीखिए, फायदा उठाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो मासेज है, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास एम एंड टू एम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड एट रेस्ट सच दैट द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर रिलीज्ड। तो बच्चों यहां पर तो ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे मान लिया ये पुली है और ये स्प्रिंग है, यहां पर M1 मास है और ये M2 मास है, ये नेचुरल में है, नेचुरल लेंथ में है, तो एक तरह से टेंशन का वैल्यू जो होता है, नाउ टेंशन T जीरो, तो व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड देन फोर्स ऑन M1 इज M1 G एंड हियर K इंटू जीरो मतलब जीरो, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एंड द सेकेंड ऑल्सो इज टेंशन टी इक्वल टू के एक्स बराबर जीरो एंड एम टू जी एंड हियर ए बराबर जी, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा, सो ए वन बराबर ए टू बराबर जी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होना चाहिए, तो थ्री का ए आंसर हो गया, सो ए आंसर करेक्ट है ये, ठीक है। नाउ द फाइव कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन मोशन टुवर्ड राइट हॉरिजॉन्टल एंड विथ एक्सेलरेशन जी द लेंथ ऑफ ए सी द फ्रिक्शन इज एबल फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर द टाइम टेकन द ब्लॉक टू रेस्ट फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि ये इंक्लाइंड है, सब कुछ है, स्मूथ है, तो ये यदि जी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस ब्लॉक पर यदि फोर्स देखा जाए तो फोर्स कितना लगेगा, एक तो लगेगा, एक तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी जी साइन थीटा, ठीक है ना, जी साइन थीटा का मतलब थीटा कितना है, एसी वन मीटर है एंड थीटा इज 30 डिग्री, तो ये तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी साइन थीटा, और इधर स्यूडो हुआ, स्यूडो
ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर आ जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो जी कॉस थीटा मतलब जी कॉस थीटा मतलब टेन रूट थ्री बाई टू मतलब फाइव रूट थ्री। बड़ा कौन है? फाइव रूट थ्री बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर लगेगा? सो ए नेट बराबर फाइव रूट थ्री माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू इनक्लाइन, ठीक है ना बच्चों? सो नाउ ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल स्पीड तो जीरो ही है, टाइम आपको निकालना है, तो टी इक्वल टू टू एस बाई ए रूट, ठीक है ना? सो यहां से ले लीजिए, टू एस कितना है भाई, एक मीटर है, बाई ए, ए कितना है, फाइव रूट थ्री माइनस फाइव रूट थ्री माइनस फाइव, ठीक है ना? ये टाइम ही पूछ रहा है ना, तो टाइम ये आपका आ जाएगा यहाँ से 0.74 आ जाएगा, तो फाइव का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? तो आपका दो सवाल बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, अब टेंथ की बारी है, ठीक है ना? Now the tenth is tenth question. So, tenth. कह रहा है कि फाइव द एंगल ऑफ इंक्लाइंड व्हेन ब्लॉक ऑफ मास एम जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक इफ थ्रोन अप टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक इफ थ्रोन इंक्लाइन विथ एन इनिशियल स्पीड वी नॉट, ठीक है ना? तो एक तरह से फाइव जो है ये एंगल ऑफ रिपोज है, तो म्यू बराबर होता है टेन फाई, ठीक है? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन अप टू इंक्लाइंड यदि बात करें, मान लिया इस ब्लॉक को वी नॉट से आपने दिया है, तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है ना? प्लस नॉट माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जो है टेन थीटा है, इसको लेट थीटा कहिए, मेरी आदत है थीटा लिखने का, टेन थीटा इंटू जी कॉस थीटा, तो ये हो गया 2g साइन थीटा, ठीक है ना? ये आ गया आपका 2g साइन थीटा, वो भी माइनस, तो एक्सेलरेशन चूंकि ये मोशन के अपोजिट है तो इसको माइनस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, तो चूंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, सो जीरो बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस टू इंटू टू जी साइन थीटा इंटू एस, सो एस बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई फोर जी साइन थीटा, यही आ जाएगा ना बच्चों? दिया है क्या?
टेंथ फोर जी साइन थीटा बी नोट स्क्वायर बाई फोर जी साइन थीटा, ठीक है, ए हो जाएगा टेन का ए, सही है, सो ए करेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद 18 पर आ जाइए, 18 पर आ रहे हैं तो आपका 18 क्वेश्चन पर आएगा कि 18 में इस तरह से पुली है, इस तरह से पुली है, इस तरह से पुली है, ये M2 है और ये M1 है, M1 है, तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए ना, ये यहां पर देखिए, मान लिया M2 पर फोर्स लेंगे तो M2G टेंशन T, तो टेंशन T बराबर, तो M2G माइनस टी बराबर एम टू ए आ गया, दिस इज द इक्वेशन वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कह रहा है कि ये टी है तो ये टी बाई टू, टी बाई टू, तो ये टी बाई टू होना चाहिए और ये होना चाहिए टी डैस, तो टी डैस बराबर टी बाई टू, टी डैस बराबर टी बाई टू। और यहाँ से एक और चीज़ है कि टी डैश बराबर टी बाई टू होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर टी शुड भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से सवाल है, ये यहाँ नहीं टंगा हुआ है, ये यहाँ टंगा है, तो एक तरह से टी बाई टू है तो टी, और इसके हिसाब से T इसको एम टू जी और ठीक है T बाई टू, तो यहाँ T बाई टू हो जाएगा और T बाई टू, और ये तो हो जाएगा आपका T, ये T बाई टू भी होगा या टी होगा, तो टी बाई टू, देखिए यहाँ पर टी बाई टू बराबर टी तभी होगा जब टी बराबर जीरो होगा, क्योंकि ये टी बाई टू टी के बराबर होगा जब टी बराबर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग लीजिएगा तो ये टी है, तो इसमें टेंशन टी बाई टू हुआ और इसमें टेंशन टी बाई टू हुआ, तो इसमें टेंशन टी बाई टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आइए देखिए ध्यान से कि ये जब टी बाई टू है तो यहाँ पर टेंशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए टी बाई फोर होना चाहिए, और टी बाई फोर होना चाहिए क्योंकि ये टी बाई फोर होना चाहिए, तो ये टी बाई फोर, अब टी बाई टू और टी बाई फोर दोनों बराबर तभी होगा जब टी जीरो हो, जब टी जीरो हो तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ एम वन एम टू बराबर जी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए फिर से एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर होना चाहिए जी, जी जी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 18 का डी, 13 का सी दिया हुआ है, तो ये चेंज आंसर होगा, मतलब चेंज करना है, चेंज आंसर 18 का सी, ठीक है ना, ये चेंज आंसर में चला जाएगा, ठीक है। सो अब 20 पर आते हैं, बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ 20 ए कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इनकाउंटर ए 15 मीटर स्लोप ऑफ 30 डिग्री,
द फ्रिक्शन कोफिशियंट, मतलब ये इस तरह का स्लोप है, दिस इज द 15 मीटर, तो ये जब यहाँ से आएगा तो इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और स्लोप 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक द मिनिमम स्पीड ऑफ कार विथ विच द इट कैन रीच एट द बॉटम, मतलब यहाँ पर जब पहुँचेगा तो भी मिनिमम क्या होगा। तो सही बात है ना, जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो एस बराबर हो गया आपका 15 मीटर, यू बराबर हो गया 6 मीटर पर सेकंड, एंड ए बराबर हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये इधर जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन होगा और उधर हो जाएगा फ्रिक्शन, किधर लगेगा फ्रिक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर आ गया तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो कितना हो जाएगा फ्रिक्शन, बोलिए तो हो जाएगा ए बराबर जी साइन थीटा, एक मिनट, माइनस ऑफ म्यूजी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 0.5 गुने 10 गुने कॉस 30√3/2, ठीक है ना, माइनस जी साइन थीटा मतलब 10/2, ये हो जाएगा ना, तो कितना आ गया बोलिए, सही है। सो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2.5, सो 5√3 और ये प्लस 5 माइनस 2.5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 5 × −2.5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप बताओ, अब यहां से कर लो, ये क्लब करीब 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये करोगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो यहां से आप निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s टू 0.6 गुने 15, कितना हो गया 36 प्लस बम 75 छक्का 9 नौ दुनी 18, तो ये 54 आ गया। सो वी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, द 20 नंबर क्वेश्चन आंसर विल बी द सी, 7.49 आ जाएगा, सत्सत 49 होता है तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ 20 विल बी फिनिश्ड एंड 21 कह रहा है कि 21 में सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो रड है तो यहाँ पर ये जो रिंग है इस तरह से है और ये पुली के ऊपर से पास कर रहा है, ये पुली इस तरह से है और यहाँ मासिम है, तो आपसे कह रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द पोल ऑन द एम, फ्रिक्शन कितना ऑफर्ड करेगा, तो भाई ये तो जो भी है टेंशन जो है वो तो इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, बट इसका वेट को कौन बैलेंस करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी, सो ऑप्शन इज ए, सो 21 इज ए, ये भी सही है, क्लियर है, चलो फिर मिटाते हैं।
25 25 में ये कह रहा है कि ये दो ब्लॉक है, जैसे इस तरह से ब्लॉक है, ये ए है, इसके बीच में ये बी है और इसके आगे ये सी है, ठीक है ना। ये एफ फोर्स लगाया गया, तो पूछ रहा है कि एफ की कितनी हो ताकि ये नीचे ना गिरे। तो इस नीचे नहीं गिरेगा, ये तो रफ है, ये रफ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वो लगेगा म्यू इंटू एन सी, और इसका वेट, वेट कितना है इसका, 2m है, ये 2m है, ये 2m है और ये m है, एम जी। सो म्यू एन सी बराबर, सॉरी, म्यू एन सी बराबर एम जी। तो यहाँ से आपका एन सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी। म्यू का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, म्यू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू प्रिवेंट द ब्लॉक, ठीक है। तो एन सी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, एन सी का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से एन सी इक्वेशन वन, नाउ ए बराबर एफ बटा 2m 2m 5m हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो एन सी ही लगेगा, इस पर एन सी ही लगेगा, क्योंकि ये यहाँ एन सी, मान लीजिए इस पर एन सी लगा तो इस पर एन सी इधर लगेगा। तो एन सी बराबर 2m इंटू एफ बाई 5m, ठीक है, 2m इंटू, तो ये m कट गया तो 2f बाई 5। सो पुट इन वन, तो आ गया म्यू एन सी 2f बाई 5 बराबर एम जी। तो f बराबर आया 5mg बाई 2μ, ये आपका आंसर आएगा। देखते हैं आप कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 25 नंबर में होना चाहिए 5mg बाई 2μ, मतलब b आंसर होना चाहिए, 25 का b आंसर, ठीक है, करेक्ट है। सो नाउ 26 कह रहा है, 26 नहीं है, 32 है, 32 ये बॉडी ऑफ 10 kg या डायरेक्टर 1/2 परपेंडिकुलर फोर्स द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो आसान है ये, तो ये तो ये 6 newton लगा, ये 8 newton लगा, ये f नेट लगा। सो a बराबर 10/10 1 m/s², क्योंकि इसका मास 10 kg है, ठीक है ना, ये हो गया बच्चों, क्लियर। और एंगल यदि निकालना है तो 8 newton के साथ यदि देखा जाए अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 10 inverse 6/8 आएगा, 6/8 मतलब 3/4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही है ना, ये भी सही है, ए इज करेक्ट, क्लियर है, देख लीजिए। सो नाउ 32 हैज बीन फिनिश्ड, सो अब 36 36 कह रहा है कि इन द सिस्टम सोन इन द फ्लोइंग फिगर एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg इक्वल टू व्हाट, ये कौन सा क्वेश्चन है, 36 है। तो देखो बच्चों, ये
हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो चलो मानते हैं कि ये नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस पे फोर्स जो लगा वो लगा 2t और इधर 4g। सो 4g माइनस 2t बराबर 4a, इक्वेशन वन हो गया था ये ना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें टेंशन टी हो गया, तो यहाँ टी लगा, ठीक है, और इधर जी लगा, तो ये नीचे जाएगा कितने एक्सेस, ऊपर जाएगा, ऊपर कितने से जाएगा, तो यदि ये 1 मीटर ऊपर जाता है तो ये आधा मीटर नीचे जाएंगे, तो इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस से हो जाएगा, तो टी माइनस जी बराबर ट्वाइस है, इक्वेशन टू। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2g बराबर 4a। सही है, इसको इक्वेशन टू कहिए। अब आइए माइनस, नहीं प्लस ही रहने दीजिए ताकि ये कट जाए, ये कट गया, 4g माइनस 2g बराबर 4a प्लस 4a 8a। सो ए बराबर 2g/8 मतलब g/4 m/s² देखते हैं आंसर क्या है 36 का। g/4 अपवर्ड होगा ना, अपवर्ड होगा, g/4 नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, g/4 तो इसका हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा g/2 अपवर्ड हो जाएगा। g/2 अपवर्ड का कौन सा है, g/2 ऑफ सी है, 36 का सी है क्या, है सही है, सो हेंस सी इज आंसर। ठीक है, नाउ 36 के बाद का क्वेश्चन जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, ये 36 हो गया, 41 एंड 44 की बात करूँगा। थर्टी सिक्स तो हो गया, 41 क्या है भाई लोग, 41 है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर पेग ऑन द स्मूथ ओरिजिन तो भी, देन व्हाट इज द फोर्स, तो आसान है क्योंकि ये पार्टिकल जब सर्किल में मूव कर रहा है वी स्पीड से, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो टेंशन ही लग रहा है ना, टी इज द नेट फोर्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू m/s² / r, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है, क्लियर है ना, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो तो केवल टेंशन टी लग रहा है। आप कहिएगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लग रहा है और mg जो है बोर्ड के अंदर लग रहा है, तो n बराबर mg हो तो बात खत्म है, सो नेट फोर्स तो वही लग रहा है कि चूंकि n बराबर mg है तो ये तो दोनों बैलेंस है, तो नेट फोर्स तो यही लग रहा है टेंशन टी। सही है ना, सही है। 41 44 पा जाइए, कह रहा है कि ये पॉइंट पी मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, फिगर नॉट गिवन, तो 44 तो ऐसे गलत हो जाएगा, फिगर नॉट गिवन, फिगर नॉट गिवन, तो ये एक तरह से आपका 44 रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि इसको बनाना चाहें, इफ़ यू ट्राई कि कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट पी मूव्स इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ, द मूवमेंट ऑफ पी इज सच ए दैट इट स्विप्स आउट ए लेंथ इज बराबर
इस तरह से, रेस इज मीटर टी इन सेकेंड, द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, ठीक है। द एक्सलेशन ऑफ पॉइंट पी टी इक्वल टू ए बराबर वाट एट टी बराबर 2 सेकेंड, तो ठीक है ना, देखते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं इसको। सो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन इन सीएम होगा, तो टी इक्वल टू 2, तो वी बराबर 3t² + 0, तो एट 2 सेकेंड 12, सो ए बराबर v² / r² dv/dt² एंड dv/dt तो बराबर v² / r², v कितना 12, 144 v² / r, 144 / 20² + dv/dt 6t, dv/dt 60, मतलब 12 m/s², सो बार बार है 44 है, ठीक है। तो अभी यहाँ से जब करिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, 144 / 20, देखते हैं। एक सौ चवालीस बटा बीस का होल स्क्वायर बराबर गुने 7.2, 51.84 प्लस 144 बराबर 195.84 ठीक है ना। तो 195.84 का यदि हमें स्क्वायर रूट लेना चाहें, तो 13.99 आएगा, मतलब 13.99 m/s². चेक करिए तो आंसर है कि नहीं, देखिए तो 14 मीटर सी आंसर होगा, 44 का सी सही है। सो सी द आंसर, सी आंसर, ठीक है ना। सो नो नीड ऑफ फिगर, रॉन्ग क्वेश्चन तो ये है बट फिगर इज नॉट गिवेन, तो कंक्लूजन यह हुआ नो नीड फिगर, फिगर का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये करेक्ट है, नॉट रॉन्ग, सही है ना, क्लियर है। तो नाउ डिस्कशन इज ओवर ऑफ सेकेंड टेस्ट, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है ना, अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं, आज बस इतना ही, थैंक यू।